पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम 1 घंटे से 2 घंटे। अगर आप अपने फोन से वर्क करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो देन यू गाइस कैन टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर एंड अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, स्किलफुल पर्सन बनो और अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। थोड़ी देर पहले वाला कुरलुस उस्मान जबरदस्त था, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। और अभी देखते हैं नेक्स्ट सीन कैसा होता है। वलगाए आलिशार और उस्मान की गुफ्तगू हुई है ना, बहुत ऑसम था। अभी देखते हैं नेक्स्ट सीन कैसा होगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अरे 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 आप जानती नहीं कि मैं इंतजार कौन कर रहा है। डेंजर, मस्त सफर कर रही हैं आंटी। ऐसा लग रहा है ऊंट पे चल रही है मैडम। डिंचक 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 मस्त है ना, मस्त वॉक पे निकली है। चिल चिल वॉक पे मस्त है, मस्त है। ये देखो मुझे लेके जाती है। अंकल का पीठ दुखने लग गया, रोते ही रहता 24 घंटे। कभी देखा नहीं, कभी हंसता नहीं देखा इसको। ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे देखो, घोड़ा घोड़ा घोड़ा। मेरे को लगता है सुलेमान शाह जैसे इसको भी प्रॉब्लम है ना पीठ पे, जैसे उनको थी, देखा ना। तीर का जख्म है। ऐसे ही बस। अच्छा सल्तुक, तुम जाओ और जाके लकड़ियां तराश करके लाओ, हम आग जलाएंगे ताकि ठंड ना लगे। जलाओ जलाओ, खुद ही मत जल जाना बस, इतना बड़ा जंगल है, आग जलाएंगे, जंगल ही ना जल जाए कहीं। नॉनसेंस। अच्छा ये चाहती है कि ये बताए अंकल को, उसका दर्द हो रहा है और दर्द दो उसको बेचारे को। हुजूर, कुछ बातें हैं जो आपको बताना जरूरी है। बताओ। क्या बात है खातून, बताओ मुझे। खातून बोलो, क्या मसला है तुम्हारा? अगर तुम्हें कबीले वापस जाने की फिक्र है तो बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम हमारे सर ऊंचे हैं अल्लाह के हुक्म से। आपका सर ऊंचा और दिल मुतमईन है, लेकिन मैं अपने किए अमाल के नीचे दब गई हूँ, पहले आपको मालूम होना चाहिए। अफसोस की वजह सिर्फ ये है कि मैंने आपकी हुक्म अदूली की है। जहरा, मेरे सब्र के पैमाने को मत आजमाओ। पैमाना? जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। रोना नहीं। ऐसा क्या किया है जो अपना सर चुकाया हुआ है? हाँ? नाटक है क्या? पता ही था, पता ही था। तुमने तुमने मेरे साथ
है सहरा, तुमने मेरे सर पर कौन सी मुसीबत डाल दी? तुम मेरी इज्जत को इस तरह कुचल कर कैसे जा सकती हो? हाँ छुओ मत मुझे, हटाओ हाथ, मुझे हाथ मत लगाओ। तो मैं वर्षों से एक नागिन को पालता रहा, पक्का करो सहरा खातू, और मुझे भी शर्माती है कि बरसों में तुम्हारे साथ रहा। मेरी जान से भी प्यारी बेटी यहां मौजूद है, इसी की खातिर तुम्हारी जान बख्शी है, लेकिन अगर तुमने एक और गलती की तो मुझे परवाह नहीं, मैं कसम खाता हूं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। जान लो अच्छी तरह ही बात बच गई भाई, ये सच में जो तलवार तुम्हें जमीन में गड़ी नजर आ रही है ये तुम्हारे सीने को चीर देगी, और उसी वक्त तुम अंजाम को पहुंच जाओगी। बहुत ही डेंजर काम था भाई ये सच में। हौसला मत हो, कौन आया है? मैं देखती हूँ, आप अंदर चली जाए। कौन आया है? कौन आया है? यहाँ पे आने वाले थे वो भाई, इधर आने वाले थे भाई। ये कैसे पॉसिबल हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा। शाहरुख खान भाई या अल्लाह या मेरे मालिक, किसी को भी अपनी सरजमीन से दूर ना करे। जो रब मुझे सही सलामत लेकर आए कबीले में, वही मेरे इंतकाम लेने में भी मदद करे इंशाल्लाह। आमीन मेरे बाबा। की तो गर्दन झुकी हुई है। खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद, खुशामदीद, कैसे हो? आओ आओ अपने सरदार के पास आओ। चिच्चा, आप किस मुंह से कबीले वापस आए? असल में तुम किस मुंह से मेरे सामने खड़े हो? हाँ, मेरी मौत का फायदा उठाकर मेरे मनसब पर बैठकर मुझसे हिसाब करने वाले होते कौन हो तुम? मैं भी समझा नहीं।
कैसे पता चला आपको? कातिल कौन है? ये सवाल पूछने का अब ख्याल आया तुम्हें? हाँ, तुमने मुझे मेरे दर्द के साथ तन्हा छोड़ दिया और आलिशाह के साथ मिलकर मैंने बतूर के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाया। मैंने इन्हीं हाथों से अपने बेटे का बदला लिया है। ये कुछ तो कांड कर रहे भाई, कुछ तो बात है। क्या किया? हाँ? क्या किया तुमने? ये तो आसमान को समझता था कातिल। रुके चाचा जान, तो इसके दिमाग में हमें इस बारे में अंदर चलकर बात करनी होगी। मैं बताता हूँ तुमने क्या किया। तुमने मेरी बेटी को और मेरी बीवी को आलिशहर की हवेली में भेज दिया, जैसे उनकी वहां जरूरत हो। और सिर्फ यही नहीं, तुमने तो मेरी भी जान लेने की कोशिश की। तो आओ, हम सब यहां मौजूद हैं, मौका भी है, हमें मारकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। हाँ, मार तो जान से मुझे। ये बेचारे गुंदूस भाई को सहरा खातून और आयगुल को इमोशनल करते हैं। किसी वजह की आलिशान की अवेली नहीं भेजा गया। मैं जानता हूं, जानता हूं मैं, हर चीज की खबर है मुझे। लेकिन किसी को गद्दार कहने और उसका फैसला करने से भी पहले रिवायात को मद्देनजर रखते हुए उनकी बात सुनते हैं, और हम किसी की हरकत की वजह समझे बगैर उस पर बोहतान नहीं लगाते। भाई साहब, बहुत डेंजर काम है। अगर जोरा खातून ने ऐसा किया तो सुख का सांस लेने की खातिर किया, ना कि कबीले में आग लगाने के लिए। और अगर वाकई पूछने के लिए कुछ बचा है तो वो मैं जरूर पूछूंगा। यकीनन कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाब देने होंगे, और इन सवाल के जवाब तैयार रखो, क्योंकि आज के बाद तुमदार साहब किसी को भी उसके किए की सजा तुमदार साहब माफ नहीं करेंगे। मस्त है यार ये दुनिया का रिएक्शन। किसी को माफ नहीं करेंगे साहब। चिच्चा चिच्चा भांजा चिच्चा गुस्से हो गए।